सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मीजू जो है ना अपने स्मार्टफोन के ऊपर बहुत ही नए नए काम कर रही है और बहुत ही इनोवेशन सा कुछ लेके आ रही है इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो यार यहाँ पे चाइना के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है मीजू का जीरो। तो यार यहाँ पे ना इसमें बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन करे हैं और यार बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर्स और यार कुछ ऐसे फीचर्स जो हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हमारे काम आ सकते हैं। तो यार उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यार यहाँ पे ना आपको जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा होगा, आपने मेरा स्टार्टिंग में ट्रेलर देख लिया, तो यार यहाँ पे आपको मीजू की तरफ से जो इसका स्मार्टफोन है उसका नाम है मीजू का जीरो। अब यार मीजू के जीरो में यहाँ पे आपको यार एक फुल डिस्प्ले मिलती है जो एमुलेट डिस्प्ले है और यार ये यहाँ पे एच टू एच है, यहाँ पे कोई भी बेजल आपको नजर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं तो इसमें बहुत सारी हैं यार, आपको बताऊँ क्या क्या बताऊँ, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको यार मिल जाता है आपको पूरा वायरलेसली सपोर्ट, आप मतलब ब्लूटूथ से एयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं, आपको 3.5 mm का जैक नहीं देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि शायद ये एक पहला ऐसा स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको USB का कोई भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे सीधे वायरलेसली चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और यार इसकी चार्जिंग भी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आपको 18 वोल्ट का चार्जर मिलता है। यार 18 वोल्ट का चार्जर बहुत बड़ा होता है और यार आपके फ़ोन को यहाँ पे रैपिडली चार्ज करता है। और एक और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको ग्रिल्स की देखने के नहीं मिलते और 3.5 mm का जैक तो आप भूल ही जाइए, और स्पीकर ग्रिल्स नहीं मिलते हैं। तो यार वीवो नेक्स्ट वालों की तरह यहाँ पे आपको डिस्प्ले के नीचे स्पीकर देखने के मिलते हैं। तो यार यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा पावर बटन भी देखने के मिलता है। तो यार यहाँ पे ना ये फोन को पूरा मतलब वायरलेसली बनाने की कोशिश करी गई है और यार यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक, तो यार यहाँ पे हैप्टिक जो उसके वाइब्रेशन होते हैं उसकी मदद से यार यहाँ पे आप फ़ोन को बंद कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। तो यार मीजू ना यहाँ पे अपने जीरो के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहा है और बहुत ही इनोवेशन का कुछ लेके आ रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, हालांकि ये चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये आपको चाइना में आपको देखने को मिलेगा हेलियो के P90 के साथ, और यहाँ पे इंडियन मार्केट में आपको स्नैपड्रैगन का 855 देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये भी है कि आपको 855 चाइना में मिल सकता है और इंडियन में भी मिल सकता है, दोनों मार्केट के ऊपर। अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, पर यार जो ये प्रोटोटाइप या जो आपका फ़ोन लेके आया है ना यार, बहुत ही दमदार फ़ोन है। यहाँ पे यार जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है, आपको कोई USB पोर्ट देखने को मिलता है, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, पावर बटन देखने के लिए नहीं मिलता हैं और स्पीकर ग्रिल्स भी देखने के लिए नहीं मिलते। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग का स्मार्टफोन होने वाला है मीजू की तरफ से, मेरे को लग रहा है यार ये पूरे मार्केट को तोड़ने वाली है। जितनी भी यहाँ पे कंपनी आई अभी तक वायरलेसली, यार इनने ऐसा कुछ नहीं किया जो मीजू कर रहा है। मीजू यहाँ पे फुल वायरलेसली अपना डिवाइस लेके आ गया है। तो बस भाई यहाँ पे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं ना, वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और देखिए बगल में नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी है, उसको हिट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।